पाकिस्तानी मरीन की फायरिंग में एक मछुआरे की मौत हुई। ड्रग्स केस में एनसीबी नेता नवाब मलिक का नया वार, कहा आर्यन खान केस में पूरी तरह से फर्जी है ये केस, ड्रग्स केस अपहरण और फिरौती का है। नवाब मलिक ने कहा ड्रग्स पार्टी में 8 नहीं 11 लोग पकड़े गए, एनसीबी ने 3 लोगों को किस आधार पर छोड़ा। मोहित कंबोज पर नवाब मलिक के गंभीर आरोप, मोहित कंबोज पर 1100 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप लगाया। नवाब मलिक ने कहा किडनैपिंग का मास्टरमाइंड मोहित कंबोज है, उगाही में वानखेड़े का साथी है मोहित कंबोज होटल चलाता है। नवाब मलिक ने कहा कि आर्यन को छोड़ने के बदले 25 करोड़ की फिरौती मांगी गई है, आर्यन की किडनैपिंग मोहित कंबोज ने कराई, साजिश के तहत आर्यन को पार्टी मिले गए। नवाब मलिक के आरोपों पर मलिक कंबोज का पलटवार, ड्रग्स पेडलर से एनसीपी के बड़े नेताओं का रिश्ता, सुनील पाटिल के साथ नवाब मलिक के रिश्ते। मोहित कंबोज ने कहा कि ये सच और झूठ की लड़ाई है, नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं। ड्रग्स केस से नवाब मलिक का नया धमाका, नवाब मलिक ने ट्वीट के जरिए एनसीबी अधिकारी और सैम डिसूजा की बातचीत का ऑडियो क्लिप किया जारी। नवाब मलिक का नया खुलासा, सैम डिसूजा का असली नाम सैंडविले स्टेनली है, एनसीबी ने स्टेनविले नाम से भेजा नोटिस। मुंबई ड्रग्स केस में गवाह विजय पगारे का खुलासा, पगारे ने ड्रग्स केस में छापेमारी को पूर्व नियोजित बताया, आर्यन को फंसाने के लिए ड्रग्स केस में छापेमारी। नवाब मलिक के खिलाफ समीर बानखेड़े के पिता ने ठोका, मानहानि का केस मांगा 1,25,00,000 रुपए का मुआवजा। अनिल देशमुख को 12 नवंबर पर ईडी की कस्टडी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया कस्टडी का आदेश। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, पहले दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक जारी है, बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए हैं। दीप प्रज्वलित करके किया गया बैठक की शुरुआत, पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने किया दीप प्रज्वलित। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद, नितिन गडकरी समेत कई मंत्री भी बैठक में शामिल। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को पीएम मोदी करेंगे संबोधित, दोपहर 3 बजे पीएम मोदी देंगे जीत का मंत्र। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने छठ व्रत करने वाली महिलाओं को प्रणाम किया। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए सीएम योगी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर चर्चा। बीजेपी की बैठक में संगठन को लेकर 3 लक्ष्यों का ऐलान किया गया, 25 दिसंबर तक देश के सभी बूथों पर कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। 6 अप्रैल 2022 तक देश के सभी पेज कमेटी बनाना, मई 2022 तक सभी बूथ पर मन की बात कार्यक्रम सुनने की व्यवस्था करने का भी किया गया फैसला। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री का यूपी दौरा, प्रधानमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। सीएम की मौजूदगी में बड़े लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे, 42,000 करोड़ की लागत से बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अम्बेडकर नगर में अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा, बीएसपी के 2 बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अम्बेडकर नगर में अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी झूठ बोलकर सत्ता में आई। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा जो काम करना चाहिए वो नहीं करती है, वहां जहां बुलडोजर चलाना चाहिए वहां नहीं चलाया। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से उगला जहर, कहा बीजेपी को 2022 में जमीन में दफना दूंगा, अखिलेश को सीएम बना दूंगा। ओम प्रकाश राजभर ने डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर सियासी वार किया, कहा अगर हिम्मत है तो केशव प्रसाद मौर्य जातिगत जनगणना पर बोल कर दिखाएं। पीएम नरेंद्र मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में मोदी की रेटिंग 70%। दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी पहले नंबर पर, बाइडेन छठे और बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर। पीएम मोदी ने एक गौरव दोबारा हासिल किया है, 2020 में भी पीएम मोदी राष्ट्र प्रमुखों की लिस्ट में पहले नंबर पर हुए थे काबिज। मॉर्निंग कंसल्ट एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रेटिंग कंपनी, साप्ताहिक आधार पर 13 देशों के डेटा का करती है अपडेट। राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिल्ली में दिवाली डिनर किया होस्ट, तमिलनाडु के एक स्कूल से आए मेहमानों के लिए था डिनर। डिनर के दौरान राहुल से पूछा गया प्रधानमंत्री बनने पर सबसे पहला काम आखिर क्या करेंगे, राहुल गांधी ने कहा कि मैं महिलाओं को आरक्षण दूंगा। गुजरात के द्वारका के समुद्री इलाके में पाकिस्तानी नौसेना की फायरिंग, एक भारतीय मछुआरे की मौत, एक घायल। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ी इटली की कंपनी से बैन हटाया गया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जिला जेल में बंदियों ने पथराव कर लगाई आग, जेलर पर भी हुआ हमला।
जेल में डेंगू से बीमार एक कैदी की मौत के बाद कैदियों ने हंगामा किया, जेल पुलिस फोर्स पर भारी पड़े कैदी। फतेहगढ़ जिला जेल में हंगामे के बाद जेल की बढ़ाई गई सुरक्षा, मौके पर पहुंचे सभी आला अफसर, कैदियों को समझा बुझाकर बैरक में भेजा गया वापस। चेन्नई में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर भरा पानी, राहगीरों की बड़ी मुसीबतें। चेन्नई में भारी बारिश ने सड़कों पर धीमी की गाड़ियों की रफ्तार, जलभराव के चलते सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज से दिल्ली से रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, 17 दिन के इस सफर में अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक शामिल। दिल्ली के पानी में घुल रहा है जहर, यमुना नदी फिर दिखी जहरीले ड्रग की मोटी परत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज गोवा दौरा, एजुकेटेड कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे केजरीवाल। वायु प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली एनसीआर के स्मॉग से राहत नहीं, कई इलाकों में फिर 500 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ रहे हैं प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने चिंता जताई, कहा प्रदूषण बढ़ता प्रदूषण दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए घातक। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,800 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 526 लोगों की मौत। एमपी के शिवपुरी में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के रतलाम में जमीन विवाद में मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से किया हमला, 5 हुए घायल। भोपाल में सरसों तेल से भरा टैंकर पलटा, आसपास के लोगों में तेल लूटने की मची होड़, हादसे में ड्राइवर और इसके साथ ही कंडक्टर को चोटें आई। और बिहार में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल छात्रों को बांटी डिग्री।